हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसे हम फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। अभी तक हम जो भी काम कर रहे थे या कोई ऑब्जेक्ट बना रहे थे हम, या किसी भी डेटा को डील कर रहे थे, या हम जैसे फॉर एग्जांपल एक्स इक्वल टू 5 कर रहे थे, है ना। सो वी आर मेंटेनिंग द डेटा इन अ मेन मेमोरी ओनली। और जब भी हम इस पूरे फाइल को, हमारे कर्नल को क्लोज कर देते थे, हम फाइल को मतलब या फिर हमारे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को हम क्लोज कर रहे थे, तो वो वाले जो वेरिएबल्स थे हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। लेकिन आपने देखा होगा कई बार क्लास बनाते टाइम हमने बहुत सारे डेटा को लिया है, यूजर से इनपुट कराया है ना। सो हाउ टू स्टोर द डेटा परमानेंटली। यदि उस डेटा को आप परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उनमें से एक कॉन्सेप्ट है फाइल हैंडलिंग, अदर कॉन्सेप्ट्स आर लाइक डेटाबेस एंड ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन। सो राइट नाउ वी आर फोकसिंग ओवर द फाइल हैंडलिंग है। सो बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट द फाइल, फाइल दो तरीके की होती है। कौन कौन सी फाइल्स होती हैं हमारी? वन इज टेक्स्ट फाइल, सेकेंड वन इज बाइनरी फाइल। पर्टिकुलरली इन दिस वीडियो हम टेक्स्ट फाइल के बारे में बात करेंगे। तो यदि हमें किसी भी फाइल के साथ डील करना है तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि हमें उस फाइल को सबसे पहले नंबर ओपन करना होता है ना। सो ना पाइथन, हाउ टू ओपन अ फाइल। तो यदि पाइथन में किसी फाइल को मुझे ओपन करना है, सो वी आर हैविंग वन फंक्शन एंड हियर वी विल बी पासिंग दिस व्हाट द प्रोटोटाइप एग्जैक्टली। फर्स्ट लेट एफ इज इक्वल टू ओपन, और इसमें हमें फाइल नेम पास करना पड़ेगा एंड वी नीड टू पास द मोड। फाइल नेम में हम क्या करेंगे, जो हमारी फाइल है एग्जिस्टिंग उस फाइल को हम पास करेंगे, और जो हमारा मोड है उसमें हम बताएंगे कि भाई हम किस मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं। मोड का मतलब है क्या मैं उस फाइल पर लिखना चाहता हूँ, क्या मैं उस फाइल से कुछ रीड करना चाहता हूँ, या मैं उस फाइल में कोई डेटा अपेंड करना चाहता हूँ, और आई वांट टू रीड सम डेटा एंड मॉडिफाई दैट डेटा। ये सारे के सारे जो तरीके हैं वो बताते हैं मोड। सो एज पर द मोड, व्हेन वी ओपन द फाइल इन अ पर्टिकुलर मोड, ये हमें बताता है कि हम फाइल के साथ किस टाइप की वर्किंग कर रहे हैं, है ना। सो व्हेन वी डील विद द टेक्स्ट फाइल्स वी आर हैविंग द सर्टेन मोड्स। उन मोड्स में से कुछ मोड में जो बात करूंगा मैं उसमें कि पहला मोड जो है दैट इज आर। सो आर स्टैंड्स फॉर नथिंग, इट्स अ रीड मोड, है ना। सो इट सेज दैट ओपन एग्जिस्टिंग फाइल एंड द डेटा Here is one important point. The file pointer in the starting file pointer is always having beginner pointer here at the beginning. Sorry, is always at the beginning. वो फाइल पॉइंटर जो है हमारा वो कहाँ रहेगा, रीड मोड में हमेशा बिगनिंग पर रहेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, यदि हमने एक वर्ड लिखा है ओपन एग्जिस्टिंग फाइल एंड रीड द डेटा फ्रॉम इट, एग्जिस्टिंग फाइल मतलब द फाइल शुड एग्जिस्ट, अदरवाइज यू विल बी गेटिंग अ फाइल नॉट फाउंड एरर। ये आपने देखा होगा कि मैंने आपको एक्सेप्शन भी पढ़ाए थे, उसमें ये आपको एरर दिखाई दी थी, फाइल नॉट फाउंड एरर, जब हमने हायरार्की देखी थी एक्सेप्शन की। सेकेंड मोड यदि जो है, द सेकेंड मोड इज द राइटिंग मोड। टू, इट बेसिकली राइट द डेटा ऑन द फाइल। इफ द फाइल इज एग्जिस्ट इट वर्क ओवर दैट, अदरवाइज इट क्रिएट द फाइल। थर्ड मोड इज द अपेंड मोड। सो व्हाट दिस अपेंड मोड सेज, इट ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल
ओपन द एग्जिस्टिंग फाइल एंड परफॉर्म ऑपरेशन एंड इट डू नॉट ओवरराइट द डेटा। लिखा है कि जो राइट मेथड है, राइट मोड जो है, ये ओवरराइट कर देता है, बट अपेंड मोड जो है वो इसको डेटा को ओवरराइट नहीं करेगा। ठीक है, इसमें भी आपको फाइल नॉट फाउंड एरर नहीं आएगी। ये आपके लिए यू हैव बाय इटसेल्फ क्रिएट द फाइल यदि फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है उसमें डेटा को डाले। अनदर काइंड मोड इज आर प्लस। आर प्लस मोड क्या है? राइट द डेटा। हम एक एक करके सारे मोड्स को देखेंगे अभी प्रैक्टिकली। देन राइट प्लस मोड क्या है? टू राइट रीड डेटा। अदर मोड इज द ए प्लस मोड। इट सेज टू अस टू अपेंड and read the data. Last one mode is exclusive mode. File in exclusive mode for write operation. ये जो फाइल है राइट एक्सक्लूसिव मोड का मतलब ये है कि दूसरी फाइल उसके साथ डिस्कस नहीं कर रही, और यदि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो आपको फाइल एग्जिस्ट एरर देगा, है ना। टीम, यदि मैं बाइनरी फाइल्स के लिए बात करता हूं तो बाइनरी फाइल्स के कॉन्सेप्ट में जो है आपको इन सभी के साथ बी एड करना पड़ेगा इफ यू आर डीलिंग विद द बाइनरी राइट और रीड। तो लेट मी चेक इट। मैं एक कोड लिखता हूं यहां पर एंड वी सी, मैं एफ इज इक्वल टू ओपन एंड आई एम क्रिएटिंग वन फाइल दैट इज राहुल डॉट टी एक्स टी। एंड एक्चुअली व्हेन आई विल टेक द रीड मोड हेयर, व्हेन आई विल टेक द रीड मोड हेयर एंड रन दिस कोड, कैन यू सी दिस? ओके, इट्स एंड ऑफ करेक्ट। व्हेन आई रन दिस कोड finding the no such file or directory rahul.txt exist. If I do the pwd, so can you see we are working over this directory and in this directory there is no file like rahul.txt. इसीलिए initially यदि मैंने read perform करा था तो आपने देखा कि उसने error दे दी कि no such file or directory exist here. What I should do, पहले उस file को exist होना चाहिए था. So when I run this code here in the writing mode, can you see we are not having any kind of error here, and when you will check here you are having this availability of this write rahul.txt file. Here we have written nothing right now, but the previous mode was the reading mode and this mode is the writing mode. Now before moving further for writing and reading, one more important point is here. Whenever we are opening a file after write, I should say after the use of file, it should be closed. It's the responsibility of the programmer. ये programmer की responsibility है कि जब भी file हम use कर रहे हैं या किसी file को write कर रहे हैं या read कर रहे हैं या कोई append operation perform कर रहे हैं, so we need to close this file. This function will close the file and it's the programmer duty. Before moving further, सबसे पहले नंबर हम इस f ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। इस ऑब्जेक्ट का क्या है, मतलब किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। Once we have opened the file, what is the importance of this f? तो इस f के बारे में, इस f ऑब्जेक्ट की वेरियस प्रॉपर्टीज हमें पहले समझना पड़ेंगी। सो लेट मी सी द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ f ऑब्जेक्ट।
नाउ इफ यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल, है ना, तो उस इंफॉर्मेशन को हम इस एफ ऑब्जेक्ट के थ्रू ही अचीव करेंगे। कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फाइल थी हमने ली थी एफ इज इक्वल टू लेट आई ओपन इट इन द रीड मोड, फाइल नेम इज द राहुल डॉट txt, है ना, टेक्स्ट फाइल है ये और इसको मैं रीड मोड में ओपन कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एरर हियर, क्यों? क्योंकि फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी जो मैंने आपको दिखाया हुआ है राहुल डॉट txt, है ना। अब हम फाइल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, सपोज आई वॉन्ट टू प्रिंट फाइल नेम, हाउ वी विल यूज दिस एफ ऑब्जेक्ट, जस्ट आई हैव टू राइट दिस एफ डॉट नेम, कैन यू सी द फाइल नेम इज द राहुल डॉट txt। नाउ यू कैन सी फाइल मोड, इफ यू वॉन्ट टू सी द फाइल मोड की फाइल का मोड क्या है, किस मोड में फाइल ओपन हुई है, देन जस्ट यू नीड टू राइट द फाइल मोड, सो यू कैन सी द फाइल मोड इज द रीड मोड दैट वी हैव ओपन इन द रीड मोड। देखता हूं क्या फाइल इज अ रीडेबल, आई वॉन्ट टू चेक फॉर द इज फाइल रीडेबल, रीडेबल क्या फाइल रीडेबल है, सो व्हाट आई हैव टू राइट हियर एफ डॉट रीडेबल। व्हेन आई सी दिस यस ट्रू बिकॉज वी हैव ओपन दिस फाइल इन द रीड मोड, लेट आई चेक फॉर द सेम कोड हियर, इंस्टेड ऑफ रीडेबल आई एम चेकिंग फॉर द राइटेबल कोड, इस फाइल टेबल हियर आई हैव टू कॉल द राइट टेबल फंक्शन, एंड आई रन दिस कोड, सो कैन यू सी द फॉल्स इज देयर, ये फाइल जो है राइट टेबल नहीं है क्योंकि हमने इसको किस मोड में किया हुआ है, रीड मोड। सपोज यू वॉन्ट टू चेक इस फाइल क्लोज्ड, is file closed, you need to check file is closed. So when you check for this property, you will be finding f dot false. क्योंकि file closed नहीं है. Suppose if I am closing this file here after opening, and I am writing this code here again, run this code. So can you see the file is closed? And the option is true now. So this is what the way by using the file object reference. You will be able to find out the information about the file also, है ना, कि फाइल की क्या स्टेट है, भी फाइल फाइल का नेम क्या है, फाइल रीडेबल है या राइटेबल है, एवरीथिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बाय दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइल कॉन्सेप्ट, दैट इज द मोड्स एंड टेक्स्ट फाइल एंड अबाउट द फाइल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। फॉर दिस वीडियो इट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।